Sadhguru Designer Wedding Collection, handpicked fabrics and premium brands. Sadhguru Store, Nagina Bagh, Ajmer. बजरी माफियाओं पर अंकुश लगाने की सुप्रीम कोर्ट लाख कोशिश कर रहा है, लेकिन राजस्थान में बजरी माफिया है कि सुप्रीम कोर्ट को भी ठेंगा दिखा रहे हैं, और इसी की एक तस्वीर हम आज आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश में बजरी माफियाओं का आतंक बेलगाम होता जा रहा है। इस आतंक के चलते आम जनता की बात तो दूर, खुद प्रशासनिक अधिकारी भी खौफ के साए में जीने को मजबूर हो चुके हैं। और ताजा मामला अजमेर के विजयनगर इलाके का है, जहां माफियाओं की हिम्मत तो देखिए। विजयनगर के तहसीलदार स्वाति को बजरी माफियाओं ने उनके घर में घुसकर परिवार सहित जान से मारने की धमकी दी है। तहसीलदार स्वाति झा ने पूरे मामले की जानकारी अजमेर के कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा को पत्र के माध्यम से दे दी है और अपनी सुरक्षा की मांग भी की है। लेकिन अब तक माफियाओं का सरकार और प्रशासन कोई कुछ नहीं कर सका है। वहीं तहसीलदार स्वाति ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ शिकायत का एक मेल विजयनगर पुलिस को भी कर दिया है। विजयनगर तहसीलदार स्वाति झा के अनुसार मामला 8 मार्च 2020 का है, जब उन्होंने अपने सरकारी आवास के बाहर से गुजर रहे एक बजरी ट्रक को पुलिस की मदद से जब्त करवाया था। और इसकी सजा तहसीलदार स्वाति को कुछ इस तरीके से मिली कि बजरी माफिया पहले उनके घर पहुंचा, फिर रिश्वत की पेशकश की, और जब तहसीलदार ने रिश्वत लेने से इनकार किया तो आरोपी ने उन्हें परिवार सहित जान से मारने की धमकी दे डाली। इस पूरे मामले में अब स्वाति को अपने और अपने परिवार की जान खतरे में नजर आ रही है, और इसीलिए अब तहसीलदार स्वाति ने एक पत्र के माध्यम से पूरे मामले की जानकारी के साथ अजमेर कलेक्टर से सुरक्षा की मांग की है। सुनिए पूरे मामले पर तहसीलदार स्वाति क्या बोल रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बजरी खनन पर रोक लगा रखी है। मुख्य सचिव महोदय और जिला कलेक्टर महोदय से भी अवैध बजरी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। ग्राम जालिया और नगर से निरंतर ग्रामवासियों द्वारा मुझे ज्ञापन दिया जा रहा है कि अवैध बजरी खनन के कारण उनके खेत खराब हो रहे हैं या बहुत तेज गति से डंपर चलते हैं। इसी क्रम में 8 तारीख की देर रात को एक बजरी का डंपर पुलिस के सहयोग से पकड़ा गया था। 9 तारीख की सुबह को बजरी डंपर का मालिक मेरे पास उस बजरी डंपर को छुड़ाने के लिए और उसकी की गई रिकॉर्डिंग के लिए रिश्वत की पेशकश लेकर आए थे, जिसे मैंने मना कर दिया और जुर्माना जमा कराने के लिए डायरेक्शन दिया। लेकिन इन बजरी माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने मुझे मेरे परिवार से जान से मारने की धमकी देने के साथ ही मेरे पति को भी अलग से धमकाया। तो इसी की सूचना मैंने कलेक्टर महोदय को चिट्ठी के जरिए सूचना प्रेषित की है और अपनी सुरक्षा के लिए भी कलेक्टर महोदय को लिखा है। लेकिन क्योंकि मैं ये काम जनता की भलाई और जनता के सहयोग के लिए ही कर रही हूँ, इसलिए यदि जनता का सहयोग मेरे पास है तो मुझे इस चीज में किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है और आगे और प्रभावी कार्रवाई।